हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड एंड डिस्कस अबाउट रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 10 मिनरल रिसोर्सेज। बेटा आज चैप्टर 10 है जो मिनरल रिसोर्सेज खनिज संपदा, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है उनको रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 to 11 किया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि दोबारा चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर डालने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 के नीचे ही क्वेश्चन नंबर 12 लगाएंगे और क्वेश्चन ब्लैक जेल के पेन से, आंसर ब्लू जेल के पेन से लिखते हुए आप इस काम को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नेम एनी थ्री पैलेसेज वेयर कोल इज माइंड। तीन स्थान बताने जहां पर कोयले की खाने हैं, जहां पर कोयला निकाला जाता है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड। ये तीन जगह बताई है जहां पर कोयले की खाने हैं। तो इसके अंदर हमारा झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु है जहां पर कोयले की खाने स्थित है, कोयला निकाला जाता है वहां पर। तो इतनों में से हमने झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु इतने नाम बताए, तो इनमें से हमने थ्री नाम लिखने थे, तो हमने वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड इसमें लिख दिया। नेक्स्ट है, मिनरल ऑयल इज माइंड, यानी जो तेल है, खनिज तेल है, वो कहाँ पे पाया जाता है, यानी कहाँ से निकाला जाता है। तो उसके अंदर तेल, जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, ऐसे ही जमीन के अंदर सुरंग लगाई जाती है और उस छेद में से, सुरंग में से क्या है कि तेल के कुएं होते हैं, उनके अंदर से तेल निकाला जाता है। तो मिनरल ऑयल है, खनिज तेल है, ये कहाँ कहाँ इसके पाया जाता है, कहाँ इसकी सुरंगें हैं, असम, गुजरात और मुंबई में, असम में है, गुजरात में है और मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयरन ओर इज माइंड, जो लो अश्क है, इसकी खाने कहाँ है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसके अंदर ये मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाया जाता है। तो इसके अंदर हमने तीन नाम लिख दिए, इनमें से उड़ीसा, गोवा और झारखंड, यहाँ पर आयरन और लो एस्क है, यानी कच्चा लोहा है, ये इसके खाने हैं, ये पाया जाता है वहाँ पर। आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड, लो और इस्पात उद्योग है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इनके बारे में बताना है। आयरन और स्टील प्लांट, प्लांट का मतलब यह है उद्योग, यानी यहाँ प्लांट का मतलब पौधे नहीं है। तो इसमें भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर है, जहाँ पर लौह और इस्पात के कारखाने स्थित हैं, लोकेटेड है, भिलाई, दुर्गापुर और जमशेदपुर, ये हमने तीन नाम यहाँ पे लिख दिए। ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड, तेल शोधक जो कारखाने हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, इसमें मुंबई, बड़ौदा, चेन्नई, मुंबई, बड़ौदा, चेन्नई। तो इसके अंदर बिग ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो यहाँ पर है, इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, कोची, बड़ौदा, डिगबोई, मथुरा, बरौनी और गुवाहाटी, यहाँ पर भी ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन इसमें से मुख्य हमने मुंबई, बड़ौदा और चेन्नई लिखा, इसको आप लोग लर्न करेंगे। यहाँ पर तेल शोधक कारखाने हैं, यानी जो जमीन से नीचे से पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है, तो उसको जैसे कि शुद्ध किया जाता है। तो ये तेल शोधक कारखाने कहाँ पर हैं, मुंबई में, बड़ौदा में और चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वुड हैपन, क्या घटना घटेगी इफ देयर वर नो मिनरल, भाई खनिज नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या घटित होगा, इफ देयर वर नो मिनरल, भाई खनिज नहीं, देयर वर नो मिनरल, यानी खनिज नहीं, यदि देर कहीं पर खनिज नहीं थे तो क्या होगा। तो इसके अंदर यानी मिनरल नहीं होते तो क्या होता, ये बात इसमें कही गई है। इफ देयर वर नो मिनरल, यदि कहीं पर मिनरल नहीं थे, खनिज नहीं थे, तो अवर नहीं होते, अगर खनिज नहीं होते तो क्या होता, आवर लाइफ वुड बिकम वेरी हार्ड, तो भाई हमारा जो जीवन है वो बहुत ही हार्ड होता, कठिन होता।
द हेवन ऑफ प्रोग्रेस वुड चेंज इन टू द डेन ऑफ हेल। तो जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, हेवन का मतलब हम ये कह सकते हैं सब सभी सुख सुविधाएं हैं, यानी जिसको हम स्वर्ग कह सकते हैं, यानी और वो क्या होता है जिसके अंदर सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, तो ये प्रोग्रेस हो रही है वुड चेंज इन टू द डेन ऑफ हेल, जो कि नरक में बदल जाती है। यानी स्वर्ग हर चीज की, सब चीजों की पूर्ति रहती है, यानी सब चीजें होती हैं, तो कहते हैं भाई बिल्कुल ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। और अगर ये चीजें नहीं होती तो प्रोग्रेस होती वो रुक जाती और वो किस में बदल जाती, डेन ऑफ हेल, यानी वो नरक में बदल जाती। और नरक में आप जानते हो कि भाई किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं है, हेवन होता है जन्नत। या और अब जैसे कहते हैं ना कश्मीर को हेवन, हेवन के नाम से जाना जाता है कश्मीर को, अब भाई बिल्कुल जन्नत है इंडिया की, वहाँ सब चीज़ देखने में बहुत बढ़िया, प्राकृतिक सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से हेवन ऑफ प्रोग्रेस है वो चेंज हो जाती, जन्नत वो चेंज हो जाती इन टू द डेन ऑफ हेल नरक के रूप में। बिकॉज मिनरल्स आर क्रिएटेड बाई नेचर, नेचुरल प्रोग्रेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफ्रेंस, क्योंकि जो मिनरल्स हैं आर क्रिएटेड, जो बनाए जाते हैं बाई किसके द्वारा, नेचुरल प्रोसेस, इसमें नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफ्रेंस, इसमें मनुष्य के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया, इफ देयर वर नो मिनरल, यदि मिनरल नहीं होते तो अवर लाइफ वुड बिकम वेरी हार्ड, हमारा लाइफ है वो बहुत ही हार्ड होता। और द हेवन ऑफ प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस हो रही है वुड चेंज इनटू द डेन ऑफ, यानी जो जन्नत है वो किस में बदल जाती, डेन ऑफ हेल यानी नरक में बदल जाती, जहां पर कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं होती। आजकल देख रहे हो इतनी प्रोग्रेस हो रही है कि हर चीज की सुख सुविधाएं है, बिकॉज मिनरल्स आर क्रिएटेड, क्योंकि मिनरल्स के कारण से ही ये सारी जो इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है ये मिनरल्स के कारण ही है, अगर मिनरल्स नहीं होते तो ये प्रोग्रेस नहीं होती। बिकॉज मिनरल्स आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस, जो मिनरल होते हैं वो बनाए जाते किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा होते हैं, बनते हैं, क्रिएट होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफ्रेंस, बिना मनुष्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप किए गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आता है, 13 और 14 के बीच में जो स्पेस दे रखा है ये आपको नहीं छोड़ना है, उसी के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 14 लगाना है। What steps should be taken to save our mineral resources for the coming generation? हमें कौन से स्टेप हैं वो should be taken, उठाने चाहिए to save our mineral resources, हमारे जो खनिज स्रोत हैं उनके सेव करने के लिए, बचाने के लिए हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए, अग भाई जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी कमिंग जनरेशंस है, आने वाली जो जनता है पीढ़ी है उसके लिए वो बच सके, तो उनका ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये लिमिटेड मात्रा में है और इनका हम ऐसे यूज करते रहेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये नेचर प्रकृति के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, और एक बार इनका यूज करने पर ये समाप्त हो जाते हैं और दोबारा इनका अगेन हम क्रिएट नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते। टू सेव आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज देम वाइजली, हमें उनका वाइजली माने बुद्धिमता से उपयोग करना चाहिए, यानी उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज, और जो अतिरिक्त स्रोत हैं सच है जैसे सोलर और विंड एनर्जी शुड बी यूज्ड, और इनके स्थान पर अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं कोल और पेट्रोलियम के स्थान पर सोलर और विंड एनर्जी है, उसका हमें प्रयोग यानी उपयोग है वो करना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। तो इस प्रकार से अल्टरनेटिव सोर्सेज हो गए, क्योंकि इससे हमारा कोयला और पेट्रोल बचेगा, उसके स्थान पर हम सोलर और विंड एनर्जी यूज करेंगे, तो शुड भी इनका यूज करना होना चाहिए।
और उनका बुद्धिमता से उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार से हम कमिंग जनरेशन के लिए इनको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इस प्रकार से बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुल्ली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर राइटिंग में बिना कोई मिस्टेक किए हुए और क्वेश्चन ब्लैक जेल के पेन से, आंसर ब्लू जेल के पेन से लिखेंगे। और मैंने बताया कि दोबारा बार बार चैप्टर का नाम और नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, डेट भी एक बार आपने ऊपर डाल दी, कंटिन्यू इसको करना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसी के नीचे से, और लिखते समय आपने कैपिटल स्मॉल लेटर और स्पेलिंग मिस्टेक और साथ में जो लेटर्स या वर्ड्स हैं उनके बीच में जो प्रॉपर स्पेस है वो आप प्रॉपर स्पेस डालेंगे, न कम न ज़्यादा। इस प्रकार से आप अपना कार्य करेंगे और इसको राइट करेंगे सुंदर राइटिंग में, फिर नोटबुक में लर्न करेंगे। और ये चैप्टर हमारा आज यहाँ फिनिश होता है। थैंक्स।